राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के शुभारंभ के अवसर पर सिविल लाइन स्थित महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज में छात्रों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर डीआईजी राजेश जी मोदक, एसएसपी जोगेंद्र कुमार, एसपी ट्रैफिक आशुतोष कुमार, यातायात निरीक्षक ए अंसारी सहित अन्य अधिकारी, कॉलेज के शिक्षिकाएं तथा छात्राएं मौजूद रहीं। इस मौके पर डीआईजी राजेश जी मोदक और एसएसपी जोगेंद्र कुमार द्वारा कॉलेज की छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति सचेत किया गया। एसएसपी ने कहा कि थोड़ी सी सावधानी से बड़ी दुर्घटना रोकी जा सकती है, इसलिए सड़क पर चलते समय यातायात के नियमों का पालन करें, जिससे यात्रा मंगलमय हो। उनमें से सबके मुहर आज हमारी पंक्ति में आए हैं। कर्तव्य पथ से आप उनका स्वागत करें। प्रदान किया जाना चाहिए जो चलाने में सक्षम है, उनके लिए जांच होनी चाहिए, उनका परीक्षण होना चाहिए और फिर उनको ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत होना चाहिए। ऐसे लोगों को हमें रोकना है। यहाँ पर उपस्थित छात्राएं अपने घर में अपने पिता को, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को यहाँ के कार्यक्रम के बाद यहाँ से जो सुन करके जाएंगी उस मैसेज को दे सकती हैं और ये शोर कराएंगी कि उनके भाई या उनके परिजन बिना हेलमेट लगाए दुपहिया वाहन न चलाएं। हमारे विद्यालय में उपस्थित शिक्षिका छात्राएं तथा मीडिया के बंधुओं, भारत सरकार द्वारा आज से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह आयोजित किया जा रहा है। अभिनंदन और उनके प्रदर्शन जलाकर अभिनंदन करते हैं। कर्तव्य पथ से आज आप मंत्रियों का भी स्वागत करें। हम खतरनाक ढंग से वाहन का संचालन नहीं करेंगे। हम वयस्क होने के पश्चात वाहन चलाते समय पैदल एवं साइकिल यात्रियों को सम्मान प्रदान करेंगे। ये राष्ट्रीय सुरक्षा महा आयोजित किया जा रहा है जो आज से शुरू होकर 17 फरवरी तक चलेगा। आप सभी जानते हैं, सभी को रूल्स पता रहते हैं। आज ही की पेपर की हेडलाइंस पे यही खबर थी कि हमारे यहाँ कितने लोग इस गलत नियमों का पालन करने से, गलत तरीके से वाहन चलाने से डिसिप्लिन को मेंटेन करना चाहिए। आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है और आप अपने परिवार में भी, जैसा इंस्पेक्टर ने बताया कि परिवार में भी आप संदेश दे सकते हैं कि किस तरह से आप लोग सफर की ग्रहण कराएंगे। नियम आपको सबको जानकारी, नियम हमें भी जानकारी, सबको, हर आदमी को जानकारी होती है। सड़क पे बाय चलना चाहिए, हेलमेट लगा के चलना चाहिए। बावजूद इसके बच्चों, आपके सामने ये प्रोग्राम करने का उद्देश्य ये है कि आप हमारे देश के भविष्य है। सुनाई दे रही है और पीछे वो सबसे आखिर में